बंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के साबा डेयरी थाने में। अगर दिल्ली की हम बात करें, क्राइम है कि थमने का नाम नहीं लेता। आए दिन पता लगता है कि कभी मर्डर, गोली चलाना या कार या लोगों को लूट लेना एकदम आसान हो गया है अपराधियों के लिए। वैसा ही मामला आया है सूर्य प्रकाश तिवारी का, जिसको सेक्टर 30 रोहिणी से बुक करा गया था ओला उबर कंपनी के थ्रू और ले जाया गया खेड़ा कला में, जहां पर दो व्यक्तियों ने उसको चाकू से और पत्थर से मारकर वार किया और साथ ही उसका मोबाइल और कार लेकर फरार हो गए, जिसकी FIR दर्ज साबा डेयरी के थाने में की गई है। अभी तक नहीं पता चला है गाड़ी कहाँ है और दिल्ली पुलिस है कि FIR करने के बाद ऐसा लगता है कि वो ठंडे बस्ते में उन्होंने मामले को डाल दिया है। क्या नाम है जी आपका? सूर्य प्रकाश जी, जो आपके सिर पे पट्टी बंधी है, हाथ में पट्टी बंधी है, तो ये इसका पट्टी बंधने का क्या कारण है? सर, इसमें हमारे सर वारदात हुआ था सर। हमारे सर का ओला की ड्यूटी है सर, मैंने वहाँ पर गया, पिकअप किया सर, फिर वहाँ से लेकर गया खेड़ा कला गाँव के पास, उनको ड्रॉप किया, फिर वो हमारे से गाड़ी छीनी, चाकू मारे सर, मुझे नीचे गिरा दिया पत्थर से, फिर मेरे से वारदात किया, फिर भी मार के सर गाड़ी मेरे छीन लेकर चले गए। पूरी तरह से बताइए कैसे कैसे क्या हुआ आपके साथ? सर, हमारे पास पहली ड्यूटी मेरे ओला की आई सर सेक्टर 24-16, फिर वहाँ से सर हम 28 की तरफ गया सर, फिर 28 के बाद सेक्टर 30 से ड्यूटी आई सर, महादेव चौक है, वहाँ से सर ड्यूटी आई, मैंने बंदों को गया पिकअप किया उनके लोकेशन पे जाके, फिर दो बंदे बैठे, फिर मैंने उनसे OTP मांगा ओला से, ओला की OTP मांगा सर राइड स्टार्ट करने के लिए, फिर सर मैंने राइड स्टार्ट किया तो बोले, हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाना सर, बोले मुझे खेड़ा कला गांव में जाना, मतलब खेड़ा कला स्टेशन पे जाना सर। खेड़ा कला स्टेशन जाने पे सर वो फिर वहाँ पर मुझे लेकर गए, तो मैंने बोला सर आपका लोकेशन आगे दिखा रहा, वो बोले मुझे यहीं से थोड़ा सा कच्चे रास्ते पे छोड़ दो, हम इधर से ही चले जाएंगे। कच्चे रास्ते पे थोड़ी दूर लेकर गए 100 मीटर आगे सर, फिर वहाँ पर मुझे रोके, बोले आपका कितना पैसा हुआ? हमने बताया सर मुझे आपका 127 रुपये बिल बना। उसने पैसा देने के बजाय सर मुझे साइड में करके सर और दोनों मुझे चाकू मेरे गले पे रखा और फिर सर मुझे धक्का मार के बाहर करके और मेरे साथ चाकू मार दिया। कितने आदमी थे सर? 2 लोग थे। कौन से दिन की बात है सर? ये वीरवार 10 तारीख की बात है। किस टाइम की बात, दिन की है या रात? रात की बात है सर, 9:50 की बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? यही वारदात हुआ, उसके बाद सर मैंने फिर गाड़ी लेकर भाग गई सर, फिर मैं वहाँ से पैदल भाग के आया सर, एक गाड़ी खराब पड़ी थी सर, मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँच के सर मैं गिर गया, हमारे मतलब बेचैन मतलब वो था, फिर वहाँ से सर कुछ लोग बंदे आए बाइक से, फिर वो 100 नंबर फ़ोन किए, फिर फ़ोन किए, फिर 100 नंबर भी आई सर और हम अपने घर पे भी फ़ोन करवाया, फिर यहाँ के भी लोग गए सर, फिर वहाँ पर मुझे उठा के हॉस्पिटल में दवा करवाया। पुलिस कितनी देर बाद पहुँची सर? उनके पास जैसे फ़ोन गए उसके 15 मिनट के बाद आए, लेकिन उनके कोई 100 नंबर फ़ोन करने को तैयार नहीं था, इसलिए मेरे को करीब आधा घंटा तो मैं वहाँ पड़े थे सर। उसके बाद सर जब 2-4 बाइक वाले आ गए, वो जाके 100 नंबर फ़ोन किए, तो फिर उसके 15-20 मिनट के बाद आए। अभी तक पुलिस का रवैया क्या रहा है आपके साथ, मतलब पुलिस ने क्या किया आपके साथ, कार्रवाई करी या नहीं करी? सर मैं थाने में जा रहा हूँ, वो बोल रहे कि आपका कार्रवाई चल रही है सर, वो बोल रहे थे कि आपका फ़ोन भी मिल गया है और कार्रवाई चल रही है सर, ये बता के मुझे भेज दिया जाता है। अगले हफ्ते में बता रहे हैं कि आपको मतलब आपका कोई ना कोई सिचुएशन निकल जाएगा, ये सर मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे कुछ बताया गया नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, कुछ नहीं बताया गया, उसका टेस्ट किया गया कि क्या किया गया। जब वो फ़ोन मिला है तो कहाँ मिला, किस तरीके से? ये भी नहीं बताया, कि मैंने पूछा भी कि कहाँ पर फ़ोन मिला था, तो ये भी नहीं बताया गया मेरे से कि कहाँ फ़ोन मिला। कौन सी गाड़ी थी आपकी? सर स्विफ्ट डिजायर थी सर। नंबर क्या है गाड़ी का? DL1ZB6742। किस थाने में गए थे आप? सर ये साबा डेयरी के पास थाना है सर। अच्छा, उसके बाद आपने बताया कि आप DCP साहब के पास भी गए? हाँ, DCP साहब के पास भी गए, वो भी हमारा बयान लिए पूरे, और SHO जी भी बयान लिए अपने डायरी में लिखे। अच्छा, और कितना समय हो गया इस बात को? सर ये 11 तारीख की बात है सर। 10 तारीख 10 तारीख को तो वारदात हुआ है सर, 11 तारीख को हमको सुबह बुलाया गया, वहाँ पर जब हम गए तो हमारे से सारा सिचुएशन।